हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज होने वाली हैं एंड क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो एनर्जीज में डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये कि कुछ आपको ड्रीम्स ऐसे आ सकते हैं, जिस चीज़ को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रीम्स दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ें काफ़ी पता चली, तो अपने ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, कुछ चीज़ें पता चल सकती है, कुछ इंट्यूटिव डाउनलोड्स हो सकते हैं। एंड आपके लिए गाइडेंस साथ में ये भी है, आपको शायद से सोशलाइज थोड़ा कम करने की नीड है अगर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो तो, क्योंकि काफी चीजों को लेके आपके अंदर कंफ्यूजन बढ़ सकता है, आप थोड़ा डायरेक्शन लेस फील कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली करियर को लेके डेफिनेटली अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आपका आपको काफी अप्रिसिएशन मिल सकता है, वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। ओके, वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो जो आपकी एनर्जीज रहेंगी, एनर्जीज के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी लग रही है। इतना ज़्यादा कोई कुछ सोचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, बहुत ही इट्स लाइक अगर चीज़ें नहीं भी सही चल रही हैं तो भी शांति है, सही भी चल रही हैं तो भी शांति है। तो उस टाइप की एनर्जी लग रही है कि बहुत हर्मिट मोड में रहना, अपने अंदर रहना, चीज़ें नहीं भी ठीक हो रही हैं तो जस्ट लेट इट बी, कोई बात नहीं, वो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपके गाइडेंस के लिए, तो गाइडेंस में मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने जोन से बाहर आने की नीड है एंड आप आते हुए भी दिखाई दे रहे हो, स्पेशली अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, मिथुन राशि वालों की जो एनर्जीज रहेंगी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कम्युनिकेशन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे हाईलाइट होती हुई दिख रही है। किसी से अपॉलोजी मिल सकती है या आप किसी से अपॉलोजी मांग सकते हो या कोई आपसे अपॉलोजी मांग सकता है, फॉरगिवनेस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं। गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि आपको गिव एंड टेक इक्वल करने की नीड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गिव एंड टेक बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, या आप एक्सपेक्ट कर कि सामने वाला आपको देता रहे या सिर्फ आप ही दिए जा रहे हो एक बॉन्ड में, एक रिलेशनशिप में, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। ओके, कर्क राशि वालों को लेके जो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी एनर्जीज में मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रही है, आपकी एनर्जीज में काफ़ी क्रिएटिविटी, फायर एनर्जी, पैशन, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। बट जब ये चीज़ बहुत एक्सट्रीम में होती है तो हम किसी भी लेवल पे गिर जाते हैं अपना काम करवाने के लिए। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आप किसी भी टाइप के काम के अंदर कोई डिसेप्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, कुछ इलीगली नहीं कर रहे हो, कुछ गलत तरीके से नहीं कर रहे हो, बिकॉज अगर वो चीज़ आप करोगे बाद में जाके आपको उसके रेपरकशंस भरने पड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कर्क राशि। लेट्स सी सिंह राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। ओके, अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक विक्टिम मेंटालिटी में दिख रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्पलेस फील कर सकते हो, एक सफरिंग वाली चीज़ फील हो सकती है, ऐसा फील हो सकता है कि ओ माय गॉड, इस चीज़ का तो सोल्यूशन नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगा, वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं फील हो सकती है कि आपको लगे कि कोई सामने कुछ तरीका ही नहीं दिख रहा, इस चीज़ से कैसे बाहर निकले, डायरेक्शन लेस फील करना, होपलेस फील करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप असर्टिव रहो, अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से मेंटेन करो, अपने ओपिनियंस को अच्छे से आप प्रेजेंट करो, तो सोल्यूशन एग्जैक्टली आपके सामने है, लेकिन आपको वो सोल्यूशन लेना नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों की जो एनर्जीज रहने वाली हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी भी आप किसी ऐसी चीज़ को लेके विश कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, एक ऐसी चीज़ को लेके विश करना जो आपकी ज़िद ज़्यादा बन चुकी है। एक ऐसी चीज़ को लेके विश करना जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो हो सकता है, आपका सेल्फ एस्टीम और ज़्यादा लो हो सकता है, और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सो आपके लिए गाइडेंस भी यही है नेक्स्ट 24 आवर्स में कि आपको इस चीज़ से डेफिनेटली मूव ऑन करने की नीड है। इस पर्सन से, इस सिचुएशन
सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आउट ऑफ ईगो भी हो रही है, नॉट जस्ट कि यू नो आपको वो चीज़ चाहिए या कुछ भी ऐसा. लेट्स सी लिब्रा के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. ओके, आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा सा ना एक एडवेंचरस उसमें रहने की नीड है, थोड़ा सा चैलेंजिंग वाले मोड में रहने की नीड है, बिकॉज आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आपको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा. ओके, आपकी एनर्जीज में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी होने वाली है, आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनने वाला है, यू नो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप लग रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, बट ऐसे कनेक्शन के लिए ना बहुत पापड़ भी बेलने पड़ते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, फाइट करना पड़ता है, तो वो चीज़ डेफिनेटली मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है. लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों को लेके क्या मैसेज है. ओके, अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जीज़ की वृश्चिक राशि वालों के लिए, आप किसी से कुछ गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी जजमेंट भी बनाने वाले हो किसी से कुछ ना कुछ गाइडेंस लेने के लिए. ओके, इट्स लाइक कोई एक ऐसी चीज़ है, पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ जहाँ पर आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड है. ओके, आप कहीं ना कहीं काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है एक लॉस्ट पोजिशन पे हो, एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, बहुत हारा हुआ फील कर सकते हो, तो वहाँ पे अगर आप इस किसी पर्सन से गाइडेंस लेते हो तो उस चीज़ में डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी जजमेंट लगती हुई मुझे दिखाई दे रही है. लेट्स सी हमारी धनु राशि को लेके क्या मैसेज है. ओके, धनु राशि वालों के लिए एनर्जीज में आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी बर्डन में हो आप, यू नो आपके ऊपर, आपके शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, आप जो चाह रहे हो अपनी लव लाइफ से वो आपको नहीं मिल रहा, जो आप चाह रहे हो अपने ड्रीम वर्क से, ड्रीम गोल से, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो ये आपके ऊपर काफ़ी यू नो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में. लेकिन गाइडेंस आपके लिए है कि जो भी चीज़ आप दिल से करोगे, इट्स लाइक जब हम बहुत फियर से करते ना यार मैं ये कर लूँ वरना ऐसा, वरना वाली चीज़ मीन्स कि आप फियर से ऑपरेट कर रहे हो. ओके, और जब हम बहुत लविंग वाली एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो हमारे अंदर होता है कि अच्छा मैं ये करके तो देखूँ, उसके बाद जो भी इसके रेपरकशंस होंगे या जो आउटकम होगा वो देखा जाएगा, सो देयर इज़ नो फियर. तो आपको दिल से यू नो ज़्यादा ऑपरेट करना है रादर देन फ्रॉम योर माइंड. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि. मकर राशि वालों के लिए आपकी जो एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ में आप मुझे काफ़ी ज़्यादा ना रिसीविंग या फिर गिविंग एनर्जी में डेफिनेटली दिख रहे हो, बट ये थोड़ी एक्सट्रीम वाली एनर्जी हो रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा गिविंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा रिसीविंग कर रहे हो, एक बैलेंस नहीं बैठ पा रहा, जिसकी वजह से गाइडेंस में भी टेम्परेंस का कार्ड आया है कि चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करो, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशलाइज़ कर रहे हो तो सिर्फ सोशलाइज़ ही कर रहे हो, काम कर रहे हो तो सिर्फ काम ही कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान है तो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान है, नहीं, हर चीज़ को कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने की नीड पड़ सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में. लेट्स सी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है. कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोग अपनी इस टाइम पे ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे अपनी लाइफ को आप खुद क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस को खुद से क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ मुझे डेफिनेटली यहाँ पे होती हुई दिख रही है. लेकिन गाइडेंस ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने के साथ साथ आपको लॉ ऑफ एक्शन भी यूज़ करना है, उतने ज़्यादा एफर्ट्स भी डालने हैं, उतना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी बनना है नेक्स्ट 24 आवर्स में. लेट्स सी हमारी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है. ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं सता सकता है कि अगर मैंने इतना हार्डवर्क किया है तो क्या मुझे इसका रिटर्न मिलेगा, मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूं या कर रहा हूं तो क्या इस चीज़ का मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्या मेरे जो फैमिली है वो सेफ रहने वाली है, फैमिली से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, बैलेंस से रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में. लेकिन यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप एकदम प्रोटेक्टेड हो और जो भी आपने मेहनत की आपको उसका डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें.